अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेरिकन इस्लामिक स्कूल। आई एम टीचर फ्रॉम क्लास नर्सरी। सो आज का अपने जो लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। नाजरा से हम काम स्टार्ट करेंगे अपना। नाजरा में हम अल्लाह के नाम, पहला कलमा और उसका तर्जमा, ये तीन चीज़ें कर चुके हैं। आज हम करेंगे सूरह इख़लास और कल हम इसका तर्जमा करेंगे। तौज़ीन तस्मे से स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह इख़लास, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम युलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। एक दफ़ा फिर से रिपीट करते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम युलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। स्टूडेंट्स, आप ये सूरह इख़लास याद करेंगे। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा वर्क है बुकलेट पे, पेज नंबर 8, जे के एल। आप ये 3 जे स्टूडेंट्स पैटर्न के फॉलो करते हुए आप लिखेंगे। फर्स्ट 3 लाइंस में कैपिटल ए बी सी, जे के एल। देन आप यहाँ पे कलर करेंगे जे जा जार। कंप्लीट पेज आप इसी तरह से लिखेंगे। द नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा उर्दू। उर्दू का आप पेज नंबर 13, पेज नंबर 13, सफ़ा नंबर 13 ओपन करेंगे। इसकी हमने रीडिंग करनी है। अलिफ अलमारी, अलिफ ऊन, अलिफ अनार, अलिफ अंडा। स्टूडेंट्स, आपने ये देखना है कि अलमारी में आपके कौन कौन से वर्ड्स हैं, से आप अलग से भी सेपरेट करके भी पढ़ेंगे। जैसे अलिफ लाम अल, मीम अलिफ मा, रे छोटिए री, अलमारी। अलिफ वाव नून टे ऊंट, ठीक है। ऊंट में कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं, ये आप इस तरह से सेपरेट करके भी याद करेंगे। अनार, अलिफ नून अन, नून अलिफ ना, रे सेकंड अनार। अंडा, अलिफ नून अन, डाल अलिफ डा, अंडा। ये देखिए, अलिफ नून अन, डाल अलिफ डा, अंडा। देन यहाँ पे एक छोटा सा सेंटेंस ये पढ़ेंगे, हमेशा स्कूल वक्त पर पहुँचें। इस पे आज की डेट मेंशन करेंगे और आप ये याद करेंगे। देन नेक्स्ट वर्क की तरफ चलते हैं। बुकलेट पे आप पेज नंबर ओपन करेंगे। बुकलेट पे पेज नंबर 61 उर्दू का वर्क करेंगे। इस पे टे टा टोपी, टे से, ये आप लिखेंगे। ये देखिए, टे सेंटर की 2 लाइंस में आएगा, डॉट आपके पास लगे हुए हैं। इसी तरह से आप पैटर्न को फॉलो करते हुए लिखेंगे टे से। स्टूडेंट, नेक्स्ट बुक आप ओपन करेंगे काउंटडाउन, पेज नंबर 10, यूनिट नंबर 3 हमारा स्टार्ट हो गया। लाइंस, स्ट्रेट लाइंस, ट्रेस द गिवन लाइंस। अब आपके पास यहाँ पे कुछ डॉट्स दिए गए हैं जिन पे आपने लाइन ट्रेस करनी है, ठीक है। इस तरह से आप लाइन टेस्ट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट एग्जांपल दी गई है आपको। इसी तरह से आप इस डॉट्स को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। आपने डॉट्स ऊपर नीचे नहीं करना, और कोशिश कीजिएगा कि इसे एक ही बार में ड्रॉ करें, पेंसिल बार बार ऊपर ना फेरें। देन नेक्स्ट है हमारा ट्रेस द पिक्चर एंड देन कलर। आपके पास यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, इसे भी आपने ट्रेस करना है। बिल्कुल उसी तरह से डॉट्स हैं उनको आप जॉइंट्स करेंगे, देन आप इस पर कलर करेंगे। जिस ये डॉट्स जो हैं वो ग्रीन कलर के हैं, तो आप इस पर ग्रीन कलर करेंगे। देन एक हाउस है, हेट हमारे पास बना हुआ है, इस पर भी आप कलर करेंगे, उससे पहले जॉइंट्स करेंगे। तो ये आपका आज का वर्क है मैथ का। देन नेक्स्ट हम बुकलेट की तरफ चलते हैं। बुकलेट पर आप पेज ओपन करेंगे, पेज नंबर 32, इस पर मैथ का वर्क हम करेंगे। पहले आपने 5 तक किया था, देन आप आज करेंगे 6 to 10, 6, 7, 8, 9, 10। पैटर्न को फॉलो करते हुए कंप्लीट बॉक्स में आप इस तरह से 6 लिखेंगे, 7, 8, 9, 10। इस पे आज की डेट मेंशन करेंगे और ये कंप्लीट पेज आपने इस तरह से लिखना है। सो हमारा लास्ट वर्क है जीके का। जीके का आप पेज नंबर 3 ओपन करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3, इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, आप किस जमात में पढ़ते हैं। आपने आंसर ये बताना है, आई स्टडी इन क्लास नर्सरी, मैं नर्सरी क्लास में पढ़ता या पढ़ती हूँ। आई स्टडी इन क्लास नर्सरी। सो स्टूडेंट्स, ये आपका आज का वर्क है, होप आपको पसंद आएगा। आप इसे अच्छी तरह से याद करना, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।